आप अपने कामों से मोहब्बत करने लगो, पूरी दुनिया आपसे मोहब्बत करने लगेगी। जी हाँ दोस्तों, आपने सही समझा। आप अपने कामों से मोहब्बत करने लगो, पूरी दुनिया आपसे मोहब्बत करने लगेगी। दोस्तों, हर इंसान अपने जीवन में कामयाब होना चाहता है। हर इंसान अपने जीवन में चाहता है कि वह बड़ी सफलता पाए, लोग उससे मोहब्बत करें। लेकिन क्या दोस्तों, आपको पता है कि कौन इंसान से पूरी दुनिया मोहब्बत करती है, कैसे इंसान अपने लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लेते हैं? दोस्तों, मैं आपको ऐसे कुछ उदाहरण दूंगा जिससे कि आपको पता चलेगा कि वाकई में हम हर इंसान को मोहब्बत होनी चाहिए अपने कामों से, तभी वह कामों में वह अपने कुछ हासिल कर सकता है। दोस्तों, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो कि आप लोगों ने बहुत ही सुनी होगी, जिसे हम लोग क्रिकेट का भगवान कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही समझा, क्रिकेट का भगवान यानी सचिन तेंदुलकर। दोस्तों, सचिन तेंदुलकर को आज पूरी दुनिया जान रही है, पूरी दुनिया उनसे मोहब्बत करती है उनके खेलों से, क्योंकि दोस्तों उनको अपने कामों से मोहब्बत थी। एक समय की बात है जब सचिन तेंदुलकर नेट्स के लिए जा रहे थे, तो उनसे पूछा गया कि आपकी सफलता का बस रीजन क्या है। तो सचिन तेंदुलकर ने कहा कि मेरा दिन का एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि जो जबकि सूर्य निकल गई और मैं स्टेडियम ना पहुंचा। मैं सूर्य निकलने से पहले हर रोज स्टेडियम पहुंचता था और मैं प्रैक्टिस के लिए नेट में हमेशा हाजिर रहता था। दोस्तों, यही होती है मोहब्बत, अपने कामों से मोहब्बत, यानी किसी भी चीज़ में उसे रुकावट महसूस नहीं होती है। और मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूँ जिससे कि आपको वाकई में पता चलेगा कि सच में मोहब्बत होनी चाहिए अपने कामों से, तभी पूरी दुनिया आपसे मोहब्बत करेगी। दोस्तों, दूसरे नंबर पे है क्रिस्टोफर रोनाल्डो। रोनाल्डो को आप लोगों को पता होगा कि विश्व जगत के एक नंबर फुटबॉलर हैं क्रिस्टोफर रोनाल्डो। रोनाल्डो को नंबर वन फुटबॉलर का दर्जा मिल चुका है पूरे विश्व में। दोस्तों, एक समय की बात है जब क्रिस्टोफर रोनाल्डो एक मैच खेलने के लिए गए थे, वो अपने कोच के साथ, तो जब उनके कोच सो रहे थे तो रात के 11 बजे उनके कोच को कुछ सुनाई दे रही थी आवाज, कुछ खटखट की आवाज आ रही थी। जब उसके कोच ने जाके बाहर जाके देखा कि आखिर यह आवाज की किसी ने देखा कि क्रिस्टोफर रोनाल्डो पेड़ों के बीच अपने प्रैक्टिस को कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे अपने अगले दिन के मैच के लिए। दोस्तों, यही होती है लगन, यही होती है मोहब्बत, यानी आपको अपने कामों से मोहब्बत हो। इसलिए आज क्रिस्टोफर रोनाल्डो को पूरी दुनिया उसकी फैन है, उसके गेमों का बहुत बड़ा फैन उसकी पूरी दुनिया। और आपने जानता हुआ कि क्रिस्टोफर रोनाल्डो कई ऐसे फीफा वर्ल्ड कप जैसे बड़े बड़े महा मैच में उन्होंने बड़े वर्चस्व लहराया और उन्हें बहुत सारे खिताब से भी नवाजा गया। और मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा हूँ, तीसरे नंबर पे है जैसे आपने अमिताभ बच्चन और नाना भाई पाटेकर, उन्होंने भी अपने फिल्म जगत में बादशाही हासिल किया। उनके भी ऐसे ऐसे सिचुएशन आए थे कि उन्होंने कई कई रातों तक शूटिंग की थी और अपने जीवन में बेंचों पे गुजारे थे। दोस्तों, यही है मोहब्बत। दोनों ने अपने जीवन में इतने स्ट्रगल किए, इतने हासिल किए, इतने मेहनत किए कि उनके अपने कामों में इतनी दिलचस्पी थी, वह कई रातों तक बेंच पे सो के अपने दिन को गुजारे थे। शूटिंग करने के लिए वह रात तक बेंच जगा करते थे। दोस्तों, मोहब्बत यही होती है अपने कामों से मोहब्बत। दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में चाहते कि आपको लोग अप्रिसिएट करें, आपसे लोग मोहब्बत करें, तो आपको अपने कामों से मोहब्बत करनी होगी। क्योंकि दोस्तों, जब तक आपको अपने कामों से मोहब्बत नहीं होगी, तब तक आप अपने उस काम में कभी भी बड़ा कुछ नहीं कर पाओगे, एक इतिहास क्रिएट नहीं कर पाओगे, इतिहास नहीं रच पाओगे। यानी आप अपने काम में अगर सही में इतिहास रचना चाहते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो इन लोगों की तरह मोहब्बत करना सीखो। मैं आपको एक साइंटिस्ट का नाम बोल रहा हूँ जो अल्बर्ट आइंस्टाइन का आपने नाम सुना होगा, क्योंकि दोस्तों उसे भी साइंटिस्ट उन्होंने करना दर्जा बहुत हाई लेवल पे मिला हुआ है। उन्होंने भी कई ऐसे आविष्कार किए जो कई के रात बिना सोए उन्होंने कई आविष्कार किए थे। और दोस्तों, कोई भी आसान काम नहीं होता कि आप कई रात तक जग के कोई भी काम करो, ये होती है मोहब्बत। जब तक आप अपने कामों में मोहब्बत नहीं करोगे, आप अपने कामों से कोई चीज़ हासिल नहीं करोगे, तब तक आप अपने जीवन में कोई भी चीज़ बड़ा अचीव कर ही नहीं पाओगे। दोस्तों, अगर आपको सच में मोहब्बत है अपने कामों से, अगर आपको मोहब्बत नहीं है, तो आप अपने जीवन में कोई भी काम को लेकर बड़ा इतिहास नहीं रच पाओगे, बड़ा काम नहीं कर पाओगे। आप सच में चाहते हो कि आप कुछ बड़ा करो अपने कामों को लेके, अपने ड्रीम को लेके, अपने अचीवमेंट को लेके, तो आप अपने ड्रीम को लेके कुछ मोहब्बत करो उस कामों से। मोहब्बत होती है उसी कामों में जिस काम में आपकी रुचि होती है। अगर आपको सच में किसी चीज़ में रुचि है, मोहब्बत है, तो उसे बड़े लगन के साथ करो, आप उस काम में जरूर कामयाब हो जाओ। आपने भी देखा होगा कि जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने दिए, उन्होंने कहीं कहीं उनमें मोहब्बत दिखती थी अपने कामों को लेकर, उनमें मोहब्बत दिखी, मोहब्बत दिखने के साथ उन्होंने अपने काम को हासिल किया, मोहब्बत दिखा तो उन्होंने मेहनत की, अप्रिसिएशंस के कई स्ट्रगल्स झेले, लेकिन मोहब्बत थी तो उन्हें अचीवमेंट पाई और उसकी पूरी दुनिया आज उसकी फैन है। और उसी तरह अगर अपने जीवन में भी चाहते हो कि आप कुछ बड़ा करो, अपने जीवन में बहुत फैन चाहते हो, तो अपने कामों से पहले मोहब्बत करना सीखो, क्योंकि मोहब्बत नहीं होगी तो आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे। थैंक यू।